हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्राइट डे। और आज फाइनली डे वन, हम जा रहे हैं घूमने। तो अभी मैं थोड़ा लेट हो गया, अभी बस मेरे फ्रेंड मेरे को छोड़ने जा रहा था राजन। तो अभी पहले 38 वेस्ट जाएंगे, वहाँ से मैंने बस शूज़ पिक करने कज़न के, फिर 15 सेक्टर, वहाँ पे फ्रेंड रहता है तो उसके साथ, फिर हम जाएंगे 8 सेक्टर, करेंसी चेंज करवानी है क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में करवा नहीं पाया। तो उसके बाद फिर हम ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन है दिल्ली तक की और 12 बजे हमारी ट्रेन है। हमने सोचा था 9:30 बजे तक मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंचूंगा तो वहां से करेंसी एक्सचेंज करवाने चल जाएंगे, बट 9:40 हो गए तो हम थोड़ा लेट हो गए। बस अभी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी काम सारे करवाते हैं। 12 बजे ट्रेन है, फिर 3:30 बजे तक वहां पहुंच जाएगी दिल्ली, फिर आपको पता चलेगा हम कहां जा रहे हैं। तो देखते हैं हम कौन सी कंट्री जाएंगे। एक्चुअली हम एक कंट्री नहीं, हम दो कंट्री जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग्स होने वाले आगे। तुम सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्टिविटीज़, अमेजिंग एडवेंचरस, मतलब हर कुछ इतना अमेजिंग होने वाला है कि हमारे होटल्स एयरबीएनबी बहुत बहुत प्यारे हैं, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। आगे के ब्लॉग्स भी देखते रहना। दुनिया का असूल है, जब आप लेट हो रहे हो सभी आपको लेट करवाते हैं। ट्रैफिक जाम हो बड़ा है, लाइट नहीं चल रही फिर भी इतना ट्रैफिक जाम है। बस अभी कैब करा ली, फ्रेंड की वेट कर रहे हैं, वो आ रहा है, फिर कैब करवा के अभी जाएंगे हम 8 सेक्टर। शूज़ मैंने ले लिए, तो अभी जाके करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस में टाइम लग जाता है। 12 बजे ट्रेन है, हमें अभी 10:30 हो चुके हैं, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। आधे घंटा हम सोच रहे थे कि वहाँ पे भी जाकर पहले चले जाएंगे, बट मुझे लग नहीं रहा पूरे टाइम पे पहुँचेंगे, देखते हैं बाकी। लेट्स सी, बस करेंसी एक्सचेंज करवा लिया, अब चलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन। तो बस अभी हमारी करेंसी एक्सचेंज हो गई है, अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। थोड़ा बहुत लेट है, बाकी पूरे टाइम पे पहुंच जाएंगे, इतने कोई इशू नहीं होगा। पहले हमने सोचा था कि 11:30 बजे पहुंच जाएं, ताकि थोड़ा अपना टाइम एक्सटेंड लेकर चले, क्योंकि ट्रेन में पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे को पता नहीं कैसे क्या सिस्टम है, तो इसलिए हम थोड़ा पहले जा रहे थे। बाकी देखो क्या बनता है आगे। ट्रेन वैसे मैंने सुना है कि लेट हो जाती है, कुछ नहीं कह सकते। अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, अभी ट्रैफिक बहुत कम है आज मंडे के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। बस यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, फिर चलते हैं हम। रेलवे स्टेशन पहुँच गए, चलते हैं हम। अभी सामान बहुत है तो बाद में ही आपको ट्रेन में जाके दिखाऊंगा। बस ट्रेन यही है हमारी, टाइम पे ही है वैसे, हम ट्रेन भी टाइम पे है, हम भी टाइम पे हैं। तो बस अभी ट्रेन में पहुँच गए, ये हमारा विंडो सीट, काफ़ी अच्छी ट्रेन है। ट्रेन के हिसाब से लगता नहीं था कि मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होगा, बस बहुत सही है, काफ़ी कंफर्टेबल चेयर्स हैं, एसी चल रहा है। बाकी 3 घंटे लगेंगे हमें दिल्ली पहुंचने में, बस जल्दी जल्दी पहुंचें वहाँ पे, थोड़ा रेस्ट करें। और हमारी फ़्लाइट है रात को 10:30 बजे फ्लाइट है, तो अपन 7:30 बजे तक जाना पड़ेगा ना। 7:30 चेक इन, अपन सिक्योरिटी गार्ड चेक तो हाँ 7:30, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप वास्ते थोड़ा जल्दी जाना ही वही है। बाकी 7:30 बजे चल जाएंगे, बस अपन थोड़ा यहाँ के रेस्ट मिले। तो ये वेज थाली आ गई, एक दही दी है, चपाती, पिकल, ये बाकी सारा कुछ हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब आ गई नॉन वेज थाली, से निकल गए और अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड के फ्लैट। बस अभी अभी जा रहे हैं हम वापस, तो पहले फ्रेंड्स के पास रुके हुए थे, रेस्ट वगैरह कर लिया, अभी कैब बुक करी है, रेडी। बस दोनों जयंत प्रभनूर के पास रुके हैं। बस अभी चलते हैं एयरपोर्ट, लेट हो गए हम। हमने दो कैब करवाई है, क्योंकि एक्सेल आ नहीं रही थी तो इसलिए दो कैब करवा ली, क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा है। हम दोनों रह गए, बाकी सारे एयरपोर्ट पहुंच गए, तो सीधे एयरपोर्ट चलते हैं।
बस कैब होगी, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। सामान आप देख सकते हो काफ़ी भरा पड़ा है, ऊपर भी कैरेज लगा हुआ था तो हमने ऊपर कर लिया। तो फिर हमारा एक ही कैब में बुक हो गया तो हमने दूसरी कैंसिल कर दी और अभी बस वहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारा सभी सामान बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। सही बैठे हो? हाँ जी हाँ जी। बस अभी चलते हैं एयरपोर्ट। बस चेक इन हो रही है, अभी उसके बाद जाएंगे सीधा इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। बस अभी इमिग्रेशन क्लियर होगी और अभी थोड़ी देर, मतलब हमारा काफ़ी टाइम पड़ा है तो लाउंज एक्सेस देखते हैं, अगर होगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर हम जाते हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करते हैं और फिर फ्लाइट का वेट करेंगे। बस फिर लॉन्च एक्सेस अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल है। तो बस अभी VIP लॉन्च एक्सेस हो गया, आप देख सकते हो। बस अभी थोड़ा बहुत कुछ खाए पिएंगे फिर उसके बाद। अभी 1.5 घंटा पड़ा हमारी फ़्लाइट को तो पहले अभी कुछ खाते पीते हैं फिर उसके बाद चलते हैं, बोर्डिंग करते हैं। बस अभी थोड़ा लेट हो गए तो हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर 18 पे हमारी फ़्लाइट। तो बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो बस फाइनली बोर्ड कर लिया, तो बस अभी थोड़ी देर में फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेगी। बाकी नाइट का व्यू है आप देख सकते हो, तो ज़्यादा दिखाने वाला नहीं होगा। तो बस अभी मैं आपको सुबह पहुँच कर आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल हियर। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस, टेक केयर।